कार्यशाला में उपस्थित सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम, सभी को सुप्रभात। कल दिनांक 12/2/2024 को विज्ञान किट के प्रभावी प्रयोग की कार्यशाला का आगाज माँ सरस्वती जी के सम्मुख दीप प्रज्वलन एवं वंदना से किया गया। इसके उपरांत ब्रेकफास्ट हुआ। ब्रेकफास्ट के उपरांत प्रशिक्षुओं का परिचय सत्र प्रारंभ हुआ। परिचय सत्र के बाद समस्त प्रशिक्षुओं में प्रशिक्षण सामग्री वितरित की गई एवं रजिस्ट्रेशन करके उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जोड़ा गया। संदर्भ दाता डॉक्टर अखिलेश सर एवं श्री अनीश सर ने कार्यशाला को गति प्रदान करते हुए विज्ञान किट का सामान्य परिचय एवं विज्ञान किट की आवश्यकता एवं महत्व तथा विज्ञान किट के प्रभावी प्रयोग पर विशद परिचर्चा करते हुए हम अपने स्कूल के बच्चों को कैसे विज्ञान किट का प्रयोग करते हुए बहुत ही सहजता एवं सरलता से विषय वस्तु को दैनिक जीवन में प्रयोगों को परिवेश से जोड़कर समझा सकते हैं को बताया गया तथा प्रतिभागियों के द्वारा चर्चा एवं परिचर्चा की गई। डायट प्रवक्ता सर के द्वारा कार्यशाला के नियम को अच्छी तरह से समझाया गया। संदर्भ दाता श्री अखिलेश सर के द्वारा विज्ञान किट का प्रयोग करते हुए पदार्थों का पृथक्करण विधि के अंतर्गत ऊर्ध्वपातन विधि से ठोस को ठोस से कैसे पृथक करते हैं प्रयोग प्रदर्शन विधि के द्वारा समझाया गया। प्रतिभागियों के द्वारा वास्तव तथा भाव पर विशद चर्चा परिचर्चा की गई। प्रतिभागियों के जिज्ञासाओं को प्रतिभागियों संदर्भदाता के द्वारा निराकरण किया गया। इसी क्रम में रंगीन विलयन के अवयवी रंगों को पता करने के लिए क्रोमैटोग्राफी विधि को प्रयोग करके दिखाया गया। सर के द्वारा ही विभिन्न प्रकार के परिवर्तन जैसे भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, मंद परिवर्तन, तीव्र परिवर्तन, उत्क्रमणीय परिवर्तन, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन आदि पर चर्चा परिचर्चा की गई। तत्पश्चात 1:30 बजे मध्यावकाश की घोषणा की गई। इसके बाद पुनः कार्यशाला 2 बजे प्रारंभ हुई। संदर्भदाता श्री अखिलेश सर श्री अनीश सर के द्वारा कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए परिवर्तन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता, रुई से तंतु, तंतु से धागा बनाना, बुनाई बढ़ाई के कांसेप्ट को बहुत ही सहजता सरलता एवं रोचक ढंग से वस्त्र निर्माण किससे होता है को स्पष्ट किया गया। कार्यशाला चल ही रही थी कि आदरणीय डायट प्राचार्य सर का आगमन हुआ। आदरणीय डायट प्राचार्य सर ने अपने सारगर्भित आशीर्वचनों से प्रतिभागियों में नवीन ऊर्जा का संचार किए। डायट प्राचार्य सर ने शिक्षा को वह केंद्र बिंदु माने जिस पर पूरे विद्यालय की नींव टिकी होती है, इसलिए सभी प्रतिभागियों से ये अपेक्षा किए कि सभी प्रतिभागी प्रशिक्षण में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और प्राप्त विचारों को अपने विद्यालय के बच्चों से साझा करें तथा भविष्य में उन्हें एक सुयोग्य नागरिक बनाएं। कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए संदर्भदाता सर ने विज्ञान किट में उपलब्ध उपकरणों, पौधे के विभिन्न भागों की समझ, अपने चारों ओर सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, हाइड्रा, अमीबा, पैरामीशियम की स्लाइड दिखाई गई, भोजन के मुख्य अवयव स्टार्च और वसा का परीक्षण बच्चों के समझ कैसे किया जाए सर ने बहुत ही योजक ढंग से बताया। पुनः सभी का ध्यान आकर्षित करते हुए विज्ञान किट के द्वारा लंबाई का मापन एवं धारिता से संबंध, गोलाकार वस्तुओं की परिधि कैसे मापे, सरल आवर्ती गति, वृत्तीय गति, दीप्त अदीप्त वस्तुएं, प्रकाश का मार्ग कैसा होता है, वायु स्थान लेती है, वायु में भार होता है, ऑक्सीजन जलने में सहायक है, शुद्ध जल विद्युत का उचालक होता है तथा जल एक अच्छा विलायक है के द्वारा विलयन की अवधारणा को विज्ञान किट का प्रयोग करते हुए बच्चों को कैसे सिखाएं पर प्रतिभागियों और संदर्भदाता सर के द्वारा विस्तृत चर्चा परिचर्चा की गई। तदुपरांत टी ब्रेक हुआ। आज की कार्यशाला हम सभी प्रतिभागियों के लिए बहुत ही उपयोगी रही। तत्पश्चात कार्यशाला अपने अवसान की तरफ अग्रसर होते हुए 4:30 बजे समाप्त हुई। सुबोधा यादव, कंपोजी विद्यालय बनियानी, बस्खारी, देखकर।